एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूपीएससी अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है करुणा और ये है आपकी आर्टिकल की सीरीज। तो आप सभी आर्टिकल से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो इसलिए मैम ने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक आर्टिकल की सीरीज शुरू की जाए, जिससे कि आप सभी आर्टिकल्स को डेली मेरे साथ रोज सुबह 6:30 बजे आपके लिए अपलोड होगा और आप डेली एक आर्टिकल याद करेंगे। तो आज हम आर्टिकल सीखेंगे राइट टू चूज पार्टनर। ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा हुआ है और बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि आप अपनी लाइफ जी सकते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंग व्यतीत कर सकते हैं। अब ये आर्टिकल 21 इतनी बार इंटरप्रेट हो चुका है कि जब भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हम किसी राइट को फंडामेंटल राइट के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार घोषित कर देते हैं। और उन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, वो है आपका राइट टू चूज पार्टनर, साथी चुनने का अधिकार। भाई एक अच्छी लाइफ बितानी है तो ये जरूरी है कि एक अच्छा पार्टनर भी होना ही चाहिए। तो आप लोगों से पूछा जाए कि राइट टू चूज पार्टनर कौन से आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया, तो वो आंसर होगा आपका आर्टिकल 21। अब आप सब मुझे कमेंट कर बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है और कौन कौन से आर्टिकल से डील करता है। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक करना मत भूलना और मैम के साथ डेली जुड़ना है 5 बजे लाइव सेशन में। और मैम का कोड Y394 यूज कर आप 77% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं अपनी सभी कोर्सेज पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।